वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी हम है चौपाटी सोनपुर में। आज है मेरे देवर का बर्थडे एंड हम आए हैं यहाँ पे सेलिब्रेट करने। द डेस्टिनेशन इज ऑसम। पटना टू सोनपुर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बहुत बहुत अच्छा जगह है। अभी हम निकल रहे हैं हमारे घर से, पटना टू सोनपुर जा रहे हैं जस्ट फॉर अ सेलिब्रेशन। आज मेरे देवर का बर्थडे है एंड हम वहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। चौपाटी रेस्टोरेंट नया खुला है एंड हमने बहुत तारीफ सुना है। इट्स नियर गंडक रिवर, रिवर साइड व्यू है, बहुत प्यारा व्यू। खाना भी बहुत अच्छा एंड फ्रेशनेस भी बहुत अच्छा होगा, वी आर एक्सपेक्टिंग। सो वी विल एक्सप्लोर टूडे एंड गिव यू ऑनेस्ट रिव्यू कि कैसा लगता है हमें। अभी तो फ़िलहाल हम ड्राइव इन्जॉय कर रहे हैं। पटना टू सोनपुर पूरा आपको ब्रिज से ही कनेक्टेड है, सो बहुत मज़ा आने वाला है। एंड इस लॉन्ग ड्राइव में आपको पूरा गंगा नदी का व्यू मिलेगा जो बहुत प्यारा लगता है। एंड इस टाइम पे हम निकल रहे हैं शाम के 4 बजे अप्रॉक्स, सो बिल्कुल ठंडा का टाइम है, सनसेट का भी टाइम होने वाला है। बहुत बहुत प्यारा व्यू है, हमें इस ड्राइव में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि रोड वेल कनेक्टेड है एंड बहुत अच्छा है, पहले जैसा बात नहीं है। पहले पटना में बहुत जाम लगता था, अब आप मतलब हाफ एन आवर में पहुँच जाओगे पटना टू सोनपुर। सोनपुर में आपका स्वागत है। द रेस्टोरेंट इज़ अप्रॉक्स 23 किलोमीटर फ्रॉम माई प्लेस, सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप घर से निकलोगे तो अप्रॉक्स हाफ एन आवर 45 मिनट्स इज़ इनफ। ये है गंडक रिवर, ये वन ऑफ द मेजर रिवर है नेपाल का। नेपाल से ये बिहार में एंटर करती है एंड यहाँ सोनपुर के बाद ये गंडक रिवर जाके गंगा रिवर में मिल जाती है। सो ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा है इस टाइम पे। आप मतलब किसी भी टाइम पे यहाँ आ सकते हो, समर सीज़न हो विंटर सीज़न हो, आपको हमेशा मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा ही लगेगा क्योंकि इतना बड़ा रिवर का व्यू और इतना अच्छा रेस्टोरेंट। और आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पूरा ग्रीनरी है, आप यहाँ बहुत अच्छे से वॉक कर सकते हैं एंड बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड रेस्टोरेंट का एम्बियंस इज जस्ट ऑसम, मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स गो। यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए बहुत सारा सेल्फी पॉइंट भी है एंड आप आउटडोर खाना खाना चाहे या इंडोर खाना चाहे, दोनों का फैसिलिटीज़ भी है, सो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो देन डेफिनेटली दे विल इन्जॉय अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे मतलब इतना अच्छा नेचुरल ब्यूटी है कि बहुत मज़ा आने वाला, चाहे वो बच्चे हो या बड़े, सबको। तो यहाँ पे कोई भोजपुरी एल्बम का शूटिंग भी चल रहा था, सो आप सोच सकते हैं कि एम्बियंस तो जस्ट ऑसम है और उसके साथ साथ खाना भी बहुत अच्छा है। हमने स्टार्टर से लेके खाना सब कुछ ऑर्डर किया एंड किसी भी चीज़ का टेस्ट ऐसा नहीं लगा कि ख़राब था, बहुत बहुत अच्छा था। सो नो डाउट खाना भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सो अगर आप सोनपुर या उसके आसपास कहीं भी रहते हो, अगर ये जगह आपके यहाँ से रीचेबल है देन डेफिनेटली यू शुड कम हियर एंड एंजॉय। आरुष एंजॉयड अ लॉट, बहुत बहुत मस्ती किया उसने हर जगह, चाहे वो झूला हो चाहे वो सेल्फी पॉइंट हो, बहुत मज़ा आया। एंड दिस इज़ दी नाइट व्यू। अब हमारा डिनर हो गया है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, सो बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। जैसा मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे शूटिंग चल रहा था, सो आरुष एंजॉयड एंड बहुत डांस किया उसने बाहर। हम सभी को ये स्पॉट बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा एंड डेफिनेटली वंस यू गाइज विल विजिट हियर। सो अब हम यहाँ से जा रहे हैं बैक टू आवर होम। अपना ख्याल रखें, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। टेक केयर, बाय बाय।